हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमें पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस देखने हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के रिगार्डिंग जो एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर टोटल हम 12 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एक अपनी वैरायटी, एक यूनिक होगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है इस वीडियो के थ्रू, आपको क्या करना होगा, जब भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें वीडियो पॉज करके, और जब एक बार आपको क्वेश्चन का आंसर निकल जाए उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके उसका आंसर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक पार्टिकल है जो कि एक्सपीरियंस करता है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और मान लो आपको बोल दिया जाए कि 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में वो S1 डिस्टेंस चलता है और अगले 10 सेकंड में वो क्या चलता है, S2 डिस्टेंस चलता है। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओ, टोटल जर्नी कितने की है, 20 सेकंड की जर्नी है। हमको बोला कि जो फर्स्ट इनिशियल 10 सेकंड्स हैं उसमें पार्टिकल S1 चलता है, अगले 10 सेकंड में पार्टिकल जो है वो S2 चलता है। आपको पूछा है कि रिलेशनशिप बताओ S1 S2 के बीच में। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो पहले मैं इसको निकालना सिखाता हूँ फिर बताता हूँ कि आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है। तो देखो, आप सभी को पता है कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ठीक है। इनिशियल स्पीड आपको बोल दिया है 0 है, तो अगर मैं बात करूँ S1 की, तो S1 में इनिशियल स्पीड 0, तो S1 कितना आएगा, हाफ A 10 का स्क्वायर, ठीक है। एक तो मुझे ये पता चल गया, तो U इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, 0। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मेरे को S2 निकालना होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी को मेरे को नहीं पता है, तो इस वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या मैं V इज इक्वल टू U प्लस AT लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू U प्लस AT। इनिशियल स्पीड 0 थी तो वेलोसिटी यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगी, टाइम लगा मेरे को 10 सेकंड का 10 A। तो जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा S2 के लिए, तो S2 इज इक्वल टू लिखूंगा मैं इसके इनिशियल वेलोसिटी V इंटू टाइम T प्लस हाफ इंटू AT का स्क्वायर। यहाँ पे भी टाइम कितना है, 10 सेकंड ही है, तो 10 A इंटू 10 प्लस हाफ इंटू A 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो आएगा 150 A, कितना आएगा 150 A। इसको सॉल्व करोगे आएगा कितना, S1 इज इक्वल टू 50 A, और ये S2 कितना आया, 150 A। रिलेशनशिप आप सभी को पता चल गया कि S1 जो है वो कितना है, S2 बाय 3 है। आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन चला है, जिसका आया बहुत बढ़िया बात है, एग्जाम के लिए याद कर रखना है। जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ आपको बोल रहा है कि जो पार्टिकल है हमारा इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो अगर आपको बोला जाए कि आप कंजुगेटिव डिस्टेंस जिस टाइम ट्रेवल में वो जो मतलब कंजुगेटिव टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, तो अगर आपको बोल रहा है कि बताओ फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, अगर ऐसे टर्म आपको देखने को मिलते हैं तो इसका जो रेशो आता है वो होता है 1:3:5:7:9, ये ऐसे चलता जाता है कंटिन्यूअसली। और अगर आपको बोल दे कि बताओ 1 सेकंड में कितना चला, 2 सेकंड में कितना चला, 3 सेकंड में कितना चला, 4 सेकंड में कितना चला, तो उसका जो रेशो आता है वो कितना आता है, 1:2:3:4:5:2, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। यानी कितना हो गया, 1:4:9:16:25। सबसे आसान तरीका मेरे को लगता है याद करने का ये स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, ये आपको आंसर मिलता है। कुछ और क्वेश्चन लेंगे जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन पार्ट समझ में आएगा, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। आपको बोल रहा है कि एक बॉडी है जो कि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर चल रही है, और स्टार्ट किया उसने किससे, रेस्ट से। आपको बोला कि S1 डिस्टेंस मान लो वो P-1 सेकंड में चलता है, S2 डिस्टेंस वो P सेकंड में चलता है। आपसे पूछ रहा है कि जो P²-P+1 सेकंड होगा उसके अंदर वो कितना डिस्टेंस चलेगा। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आप सभी को अगर एक चीज़ पता, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना, इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है। ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है जो आप रटते हो और सॉल्व करते हो। सिग्निफिकेंस क्या है, इसके अंदर जो पहला पार्ट है S इज इक्वल टू UT। UT का सिग्निफिकेंस ये है कि ये बताता है कि कितना डिस्टेंस कोई भी पार्टिकल उसकी वेलोसिटी की वजह से चला, और हाफ AT स्क्वायर दिखाता है कि कोई भी पार्टिकल कितनी डिस्टेंस उसके एक्सेलरेशन की वजह से चला, ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ स्पीड है तो कितना चलेगा, UT चलेगा। अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन है वो कितना चलता है, हाफ AT स्क्वायर चलता है। अगर किसी के पास दोनों है तो क्या कितना चलता है, UT और हाफ AT स्क्वायर दोनों के सम के बराबर। मीनिंग इसका ये होता है, जिनको पता था अच्छी बात है, नहीं पता था तो इसको आप कहीं भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं वापस से, तो मुझसे बोला गया कि P-1 सेकंड में कितना चलता है S1, इनिशियल स्पीड 0 थी तो कितना चलेगा, हाफ, एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है लेकिन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं S2 की, S2 कितना है, S2 हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं लेकिन टाइम के स्क्वायर के बराबर, हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। मुझसे पूछ रहा है कि इतने यथ सेकंड में, अब आपको एक चीज पता है कि कितने भी यथ सेकंड में निकालना है, कितने भी यथ में, इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो, तो आपको अगर SNH सेकंड निकालना है तो कैसे निकालता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन NH सेकंड, ये होता था U प्लस A बाय 2
टू एन माइनस वन के बराबर, ठीक है। इस केस में इनिशियल स्पीड जीरो है तो कितना हो जाएगा, अगर मुझसे पूछा जाए कि इतने अर्थ सेकंड में जाके निकाल दो, तो मैं बोलूंगा कि जो भी पर्टिकुलर एस होगा वो कितना आएगा, इसकी वजह ये तो यू तो जीरो है, ए एक्सलरेशन मेरे को पता नहीं है, ए बाय टू, टू एन, एन की जगह क्या पुट करेंगे, वो टाइम जिसमें आपको जाके निकालना है, तो पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन, ठीक है, माइनस वन। आगे बस हम इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये ए बाय टू, इसको और खोलते तो आएगा टू पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस टू माइनस वन, कितना हो जाएगा प्लस वन। आगे बात समझ में। अब आप एक काम करो, यहाँ से एस वन और एस टू को जोड़ के देखो, उससे पहले आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको खोलेंगे कितना आगे कितना बन रहा है, ये बनेगा ए बाय टू पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी, ठीक है। एस वन एस टू को जब मैं सम करूँ, एस वन और एस टू को जब मैं सम करता हूँ, ए बाय टू दोनों में कॉमन है, ए बाय टू दोनों में कॉमन है, इसका आएगा पी स्क्वायर और उधर भी क्या है पी स्क्वायर, कितना हो जाएगा टू पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन। क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि ये वाली और ये वाली टर्म दोनों क्या है, सेम सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एस है या फिर एस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन सेकंड वाला जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, एस वन और एस टू के बराबर है। मोस्टली बच्चे क्या इस क्वेश्चन को छोड़ देते किस वजह से, इसकी पैकेजिंग क्या है फैंसी, लेकिन पैकेजिंग कोई भी फैंसी नहीं है, आप बेसिकली एक इक्वेशन लेके देखो आपको आंसर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को भी आप पहले सॉल्व कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आप सभी ने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट की अलोंग एक्स एक्सिस वो मूव कर रही है, सच दैट उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रही है। आपको बोला गया है कि एक्सलरेशन बता दो पार्टिकल का जब वो दो मीटर डिस्टेंस चल चुका है, तो आप सभी को पता है कि वेलोसिटी कितनी है, फोर टी क्यूब माइनस टू टी, एक्सलरेशन निकालना है, इसका होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करते कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वेल्व टी माइनस टू, आएगा नहीं आएगा। इसकी अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन इंटीग्रेशन से निकलेगी, इंटीग्रेशन इसका करोगे तो कितना आएगा ये टी की पावर फोर माइनस टी का स्क्वायर, आया नहीं आया, ये हो जाएगा फोर टी फोर बाय फोर माइनस टू टी स्क्वायर बाय टू, कैंसिल हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि जब पार्टिकल दो मीटर चल चुका है तो मैं एक्स इज इक्वल टू टी की पावर फोर माइनस टी स्क्वायर, अब ठीक है इसको दो के बराबर पुट कर दो तो ताकि आपको टाइम मिले, टी की पावर फोर माइनस टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, आई बस इसको सॉल्व करके आप टाइम निकालो। अब यहाँ पे कई बार नहीं समझ में आता है कि यार मैं यहाँ पे कैसे निकालूं टाइम को, आगे बस समझ में किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, मैं किस तरीके से अप्रोच करूँ टाइम निकालने के लिए। तो आप सभी ने ये जो इक्वेशन ये बचपन में सॉल्व कर रखी होगी, इसको कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं कि बीच वाले टर्म को कुछ ऐसे तोड़ो कि इसका प्रोडक्ट इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाए और उसका जो समय वो बीच वाले के बराबर आए। किसका कैसे तोड़ सकता हूँ, टी की पावर फोर माइनस, कैसे तोड़ सकता हूँ टी की पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, क्या ये सेम ही है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, प्लस करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि आप टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, कितना आएगा ये टी स्क्वायर माइनस टू, इधर से आप क्या करो वन कॉमन लो, टी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, आएगी नहीं बस समझ में, तो मैं टी स्क्वायर माइनस टू दोनों में कॉमन है, एक क्या बचेगा टी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब टी की वैल्यू माइनस वन तो हो नहीं सकती क्योंकि टाइम का भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी, बचेगा क्या टी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगी रूट टू, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट टू, तो टाइम इज इक्वल टू रूट टू पे कितना डिस्टेंस चल चुका है वो टू मीटर चल चुका है। अब आपको इसी टाइम पे क्या निकालना है, उसका एक्सलरेशन निकालना है, और एक्सलरेशन मेरे को यहाँ से कितना पता चला, एक्सलरेशन इज इक्वल टू है ट्वेल्व टी माइनस टू, कितना एक्सलरेशन सॉरी ट्वेल्व टी माइनस टू नहीं है, गलती कर दी इधर अपन ने गलती क्या कर दी कि जब ये आ गया तो यहाँ पे स्क्वायर बच रहा है, कितना बच रहा है स्क्वायर बच रहा है, ये जब थ्री जंप करेगा अगर फोर थ्री जब ट्वेल्व हो जाएगा, टी थ्री माइनस वन हो जाएगा तो ये टू हो जाएगा और माइनस टू, ठीक है। एक्सलरेशन कितना आ जाएगा ट्वेल्व टी स्क्वायर माइनस टू, आई नहीं बच समझ में, अब ट्वेल्व टी का स्क्वायर कितना होगा रूट टू का स्क्वायर माइनस टू, कितना आएगा ट्वेल्व इसका मल्टीप्लाई बाई टू माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर क्या चला जाएगा ट्वेंटी टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर चला जाएगा। किसी ने अगर मेरी ये मिस्टेक पकड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको डिफरेंशिएशन का मतलब सही साथ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगर आपका आंसर सही आया तो बहुत अच्छी बात है, गलत आया है या फिर कुछ नहीं समझ में आया तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मान लो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इस क्वेश्चन को पहले अप्रोच लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो फिर मैं बता दो कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी अप्रोच क्या होगी। देखो अगर आप में से किसी ने इसको सीधा टिक कर दिया तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप सभी को एक चीज़ पता है कि एक्सलरेशन अगर कॉन्स्टेंट होता है, एक्सलरेशन क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, उसी केस के अंदर आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होल्ड ट्रू होती है। अगर यहाँ पर एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकता, तो फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएगा, एक्सलरेशन क्या होता है।
आपने आज तक एक्सलरेशन को पढ़ा तो उसको कैसे पता? एक्सलरेशन की आपने यूनिट देखी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब समझ में आया क्या आज तक? मीटर पर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड पर सेकंड, इसका मतलब मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? वेलोसिटी। एक्सलरेशन एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है कि एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी में ये कितना चेंज कर देगा, उसी को एक्सलरेशन कहते हैं। एक्सलरेशन इज इक्वल टू एक सेकंड में वेलोसिटी के अंदर हो जाने वाला चेंज, ठीक है, ये चीज समझना। तो अगर मैं बोल दूं कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, कुछ भी है, उसको अगर मैं एक्सेलरेशन देता हूं और मुझे बोल दिया जाए कि 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो अगर मैं उस एक्सेलरेशन को 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है एक सेकंड में होने वाले चेंज को। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन करने की तरफ। तो अगर मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी, तो मुझे पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी यू, मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर निकालनी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक तो जो इनिशियली वो तो है ही, साथ ही साथ एक्सलरेशन की वजह से भी क्या होगा, इसके अंदर एक वेलोसिटी आएगी। अब आप सभी को पता है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते तो एक्सलरेशन आता है, तो एक्सलरेशन के इंटीग्रेशन से क्या आती है, वेलोसिटी आती है। तो अगर मैं एक्सलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी यू तो है ही, बस यही करना था आंसर आ जाएगा, यू प्लस एफ जो एक्सलरेशन वो क्या दिया हुआ है 80 का, तो 80 का इंटीग्रल करो dt के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा ये यू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। कौन सा आंसर सही है? बी वाला आंसर सही है। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसके अंदर कोई मैथ्स बड़ी बड़ी गणित नहीं है, लेकिन क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मैं बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप सभी ने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया हो, तो इस क्वेश्चन को बोला क्या जा रहा है कि अगर मान लो किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उस पार्टिकल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है, रिटार्डेशन है। आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकंड इस, आपसे पूछ रहा है कि आप फिफ्थ सेकंड के अंदर पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मुझे बता दो। अब एक चीज तो आप सीधे कर सकते हो कि एस फिफ्थ आप लगा सकते हो u प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन। अब इसके अंदर आपको क्या क्या पता है, आपको n पता है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, आपको यहाँ पे n पता है, अब यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, अब यहाँ पे क्या पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है। तो ये कैसे निकलेगा, इनिशियल स्पीड होगी 10 प्लस रिटार्डेशन हो गया 2 का। अब ये रिटार्डेशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव एक्सलरेशन यानी माइनस 2 अपॉन 2, 2 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है, कितना आएगा ये आंसर, ये हो गया 9 माइनस 9, तो ये हो गया 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। जो यहाँ पे जो बड़ा सा पेज था ना वो क्या था, बस इस वाले पॉइंट का था कि अगर किसी ने एक्सलरेशन को पॉजिटिव लिया हुआ तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सलरेशन नहीं हुआ एक्चुअल में, उसकी जो स्पीड है उसको क्या करेगा, रिटार्ड कर रहा, उसको कम कर रहा था। आपको इसके साइन के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके साथ दी हुई है, पॉजिटिव साइन, वो साइन के साथ इंक्लूड नहीं है। जब भी आपको वैल्यू पुट करनी है हमेशा साइन के साथ पुट करनी है, साइन क्या होता है, प्लस माइनस वाला साइन होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, किसी गलती हुई होगी तो बस इसी पॉइंट में होगी, बाकी किसी पॉइंट में गलती नहीं हुई होगी, ठीक है। तो जो फॉर्मूला लिख देता हूँ वापस, कि एस एन एच सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, यू प्लस ए बाय टू 2n माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से इसको करते हैं, फटाक से आएंगे, फटाक सॉल्व करेंगे, अपने आप को टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन होगा तो आप देखो उसको सॉल्यूशन देखते हैं। अगर मान लो एक मोटर कार है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और इस पे जब ब्रेक लगाया गया तो वो 10 मीटर का डिस्टेंस चल के रुक गई, बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है। अब आप सोचोगे यार 10 मिनट का डिस्टेंस चला है, एक्सलरेशन हमसे पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड आपको दिया था, आप सिंपल से आपको दिमाग में आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको फाइनल वेलोसिटी पता है 0, इनिशियल क्या हुई है 20 दी हुई है, डिस्टेंस आपको पता है, एक्सलरेशन निकालना, तो इसमें कुछ बड़ी बात ही नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन सीधे लगानी है, आंसर निकालना, कितना आएगा ये। अगर आप सभी को एक चीज यहाँ पे दिख रही है तो आप बोल सकते हो ब्रेक लगा रहे हो मतलब नेगेटिव एक्सलरेशन होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार बी और सी में से एक आंसर होगा, 20 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है, उसको कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 0। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ऐसी कंडीशन आती है आप सीधे निकाल सकते हो फॉर्मुला लगा डाल के, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इनिशियल क्या हुआ 20, 20 का स्क्वायर होगा 400, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 2 एक्सलरेशन आपको निकालना, डिस्टेंस ट्रेवल किया 10, तो एक्सलरेशन कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये यहाँ पे किसके साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है, तो माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, फिर अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो, किसी भी तरीके से कर लिया हो, अब मैं इसको करने का अप्रोच सिखाता हूँ। अगर मान लो एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ 10 kg मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, व्हेन अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज अप्लाइड फॉर 4 सेकंड ऑन इट, इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपको एक्सलरेशन पूछ रहा है, करा हो आपने जैसे भी किया हो, यहाँ पे फैंसी बनाने के लिए मास भी दे दिया, मास का कोई यूज है नहीं, क्योंकि काइनेमेटिक्स कभी भी किसी बॉडी के मास में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। तो मतलब यही तो होता है ना, आप बोलते हैं कि अगर एक वैक्यूम के अंदर एक लाइटर और एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, मान लो उनको गिरा दिया जाता कैसे, किस स्पीड से, तो इक्वल स्पीड से नीचे आते हैं, इक्वल स्पीड से नीचे आते हैं, मास का कोई फर्क नहीं पड़ता, एज फार एज हाइट सेम है, एज फार एज हाइट सेम है। आपसे बोल रहा है एक्सलरेशन बता दो, देखो
कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है बेसिक से फंडे, बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। आपको बोला जा रहा है एक बॉडी, सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन करना, डायग्राम बना ले। आपको बोल रहा है कि ये एक डायरेक्शन में चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए मैंने क्या किया एक फोर्स लगा, और 4 सेकंड के बाद जो छवि देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि जो बॉडी है ये 2 मीटर पर सेकंड से क्या जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। जब भी वेलोसिटी और ऐसा वाला केस होता है ना टाइम के साथ, मैं सीधे एक्सेलरेशन को याद करता हूँ, मुझसे एक्सेलरेशन ही पूछा है। एक्सेलरेशन का मतलब मुझे पता है कि वेलोसिटी में पर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन कहलाता है, नहीं कहलाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज नथिंग, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी मल्टी इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में वेलोसिटी में जितना चेंज आएगा वो एक्सेलरेशन कहलाता है। अब देखो सीन समझना, करने वालों ने किया होगा जैसे भी किया होगा, मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा था, 4 सेकंड के बाद ये उल्टे डायरेक्शन में 2 से चलना गया, तो मतलब एक्सेलरेशन ने यहाँ पे क्या किया, आप सभी को समझ में आ रहा है कि ये रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन ने 4 सेकंड के अंदर पहले तो ये 10 को खत्म किया, इसके अलावा उसको 2 और दी, इसके अलावा 2 और दी, तो टोटल काम एक्सेलरेशन ने कितना किया, 10 मीटर पर सेकंड का किया, 2 मीटर पर सेकंड का किया, तो टोटल कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड करने का काम इसने किया, और कितनी देर में किया, 4 सेकंड में किया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ समझ में आया क्या? बाकी आप फॉर्मूले लगा लगा कर सकते हो, फील के साथ तो क्वेश्चन ऐसे ही होता है, इसी की वजह से तो डिफरेंस जो क्रिएट होता है रैंकिंग का वो इसी वजह से क्रिएट होता है, क्योंकि अप्रोच, और अप्रोच किसी को माँ के पेट से नहीं मिलती, अप्रोच मिलती है क्वेश्चन करने से। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन होते उतने ज़्यादा क्वेश्चन करो, उतना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझो। एग्जाम क्लोज आ रही है फिजिक्स के अंदर और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो क्वेश्चन क्वेश्चन ही क्वेश्चन से सीखने का रखो, ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन करो सीखो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए कि एक बॉडी है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसके बाद मैं देखता हूँ कैसे करना है। कर लिया हो, चलो आंसर देखते हैं। अगर मान लो आपको बोल दिया जाएगा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस और 8 मीटर पर सेकंड अलोंग वाई एक्सिस, आपसे पूछ रहा है कि 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। वही वापस बेसिक फंडे वाला काम आ गया कि मान लो अगर किसी बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब उसको इनिशियली स्पीड नहीं दी, तो किसी बॉडी को अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन देता हूं, वो एक्सेलरेशन की वजह से कितना चलती है, 1/2 AT² चलती है। अब x के अलोंग कितना चलेगी, x के अलोंग चलेगी 1/2 AT², एक्सेलरेशन अलोंग x कितना प्रोवाइड किया 6, टाइम कितना दिया 4 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलोंग y कितना किया 1/2, एक्सेलरेशन कितना दिया 8 इंटू टाइम का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 4 = 16, ये 16 3 = 48, 4 4 = 16 और 16 4 = 64, कितना आएगा इसका आंसर। आपको अब x के अलोंग पता है कि 48 ट्रेवल किया है, 64 y का अलोंग किया है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना डिस्टेंस है, तो ये कुछ ऐसे चल के जा रही होगी बॉडी, कुछ ऐसे चल के होगी, तो पाइथागोरस लगाओ, सिंपल से इसका आंसर निकालो। करने का तरीका मैं आप सभी को पता ही है, देखो क्या आएगा इसका आंसर निकालो, करो रूट ऑफ 64² + 48² = 80 आएगा। मैथ्स कोई बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है आगे बात समझ में। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को कीजिए फिर देखते हैं हमें क्या करना है, कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। आपको बोला जा रहा है कार जिसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, इसको बोला जा रहा है कि इसको हम स्टॉप कर सकते हैं अगर इसमें हम एक फोर्स लगा दें एफ का, और डिस्टेंस कितना लगेगा 20 मीटर। अगर हमसे बोल रहा है कि अगर मान लो 10 की जगह मैं 30 मीटर पर सेकंड से इसको चलाना स्टार्ट करूं, तो बताओ कितनी देरी में जाकर मैं इसको रोक पाऊंगा। सिंपल है, करना स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि यार 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रही थी और इसको मैं 20 मीटर के अंदर जाकर रोक सकता हूं अगर मैं कोई फोर्स एफ लगा दूं तो, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रखी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है जीरो हो रखी है, तो मैं लगा सकता हूँ कि v² = u² + 2as, ठीक है। तो मैं लगा सकता हूँ u² = 2as की फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो। मैं तो सिंपल ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रिटार्डेशन का ज्ञान मेरे को है और यहाँ पर कहीं भी साइन की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे को ध्यान है दिमाग में कि साइन लगाना होता है, ठीक है। इनिशियल स्पीड मुझे 10 का स्क्वायर देखने को मिल रही है, acceleration मुझे पता नहीं, क्योंकि फोर्स मेरे को पता नहीं, तो मैं बोलता हूँ acceleration a और डिस्टेंस कितना बोल रहा हूँ 20 मीटर, ठीक है। सेकंड केस के अंदर क्या होगा, मान लो स्पीड को मैं 30 कर दूं, तो इस केस के अंदर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन मुझे पता तो है नहीं, क्योंकि फोर्स मैंने वही रखना है, मुझे बस डिस्टेंस पूछा जा रहा है s। कैसे निकालोगे, देखो इसको करोगे कितना आएगा, ये आएगा 40a = 100, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 2.5, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5 आएगी तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन 2.5 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि जब 30 किया होगा तो 30 का स्क्वायर कर दो = 2, एक्सेलरेशन 2.5 * डिस्टेंस कितना जो भी आपको निकालना है, कितना आएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 9.5 = कितना आ जाएगा 180 मीटर, आ गया आंसर, आंसर क्या हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन करके देखो, उसके बाद में बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y = a + bt + ct² - d2, ठीक है, सॉल्व कर लिया, देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, टी इज इक्वल टू जीरो पे। बाकी अगर इस चीज़ की वजह से अटके पड़े हो तो अलग बात है, अगर लेकिन इससे पहले का ही नहीं आया तो बता दो कैसे करना है। आपको पोजीशन दी हुई है, आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पूछा। वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, बी का बी टी का हो जाएगा बी प्लस टू सी टी माइनस फोर डी टी क्यू। और सिंपल सी बात है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे ये भी जीरो ये भी जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बी के बराबर है। ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन निकालोगे तो बी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, इसका टू सी टी का करोगे तो हो जाएगा टू सी, और ये हो जाएगा माइनस फोर थ्री जो ट्वेल्व डी टी स्क्वायर। ये वापस से अब टी इज इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना जाएगा इनिशियली टू सी। तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी बी और एक्सेलरेशन कितना टू सी, आंसर आ जाएगा बी कॉमा टू सी। ज़्यादा वो लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबी नहीं करनी, छोटे से टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर बताता हूँ मैं क्या करना है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला है एक्सेलरेशन टाइम के साथ कुछ वेरी कर रहा है, इसका मतलब इक्वेशन और मोशन तो नहीं लगी, तो जो करना है वो कर लो। इनिशियल स्पीड आपको दो दे ही रखी है, तो मैं बोलूंगा कि जो फाइनल जो भी स्पीड है उसके अंदर दो मीटर पर सेकंड मुझे ऐड करनी है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं एक्सेलरेशन की वजह से प्रोवाइडेड जो स्पीड आएगी उसको कैलकुलेट कर लूँ। तो वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का अगर मैं इंटीग्रल करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, वेलोसिटी देखने को मिल जाएगी। इसका इंटीग्रल करोगे थ्री टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा, थ्री टी क्यूब बाय थ्री प्लस टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी, आएगा नहीं आएगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टू टी। अब मुझे बोल रहा है टाइम टी इज इक्वल टू टू सेकंड पर फाइंड कर लो, टाइम टी इज इक्वल टू टू सेकंड पर मुझे फाइंड करने को बोलेगा, तो मैं बोलूँगा टू टू फोर टू जो एट प्लस टू टू जो फोर प्लस टू टू जो फोर, कितना आ गया ये फोर फोर, ये आ गया सिक्सटीन मीटर पर सेकंड। सिक्सटीन, अब कई बार क्या करते हैं हम ये सिर्फ करके छोड़ देते हैं और सोलह अगर ऑप्शन में दिया था उसको टिक कर देते हैं, इसमें सोलह दिया हुआ नहीं तो गलती कोई चांस है नहीं। क्यों? क्योंकि इनिशियली यार भाई टू मीटर पर सेकंड उसके पास थी, तो सोलह तो क्या एक्सेलरेशन की वजह से प्रोवाइड हो रही, इनिशियली कितनी हुई थी टू मीटर पर सेकंड, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसके बाद दो सेकंड के बाद, कितनी हो जाएगी एटीन मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो कभी भी किसी क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन अंदर पूछ सकते हो। वीडियो का अगर ऑडियो क्लियर ना आया तो उसके रिगार्डिंग मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियोस में ध्यान रखूंगा। कोई भी परेशानी आपको होती है ना आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों ये फाइनल क्वेश्चन आप देख लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन दे दिया, इसको सॉल्व करो फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या बोला गया कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। आपको पूछ रहा है कि वेलोसिटी बता दो जब एक्सेलरेशन जीरो, ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में से ही एक है। अब आपसे बोल रहा है कि s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फोर, ये तो पोजीशन वेरी कर रही है। वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, ये हो जाएगी थ्री टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व टी प्लस थ्री, आई की नहीं बच्चों। तो एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा, ये हो जाएगा सिक्स टी माइनस ट्वेल्व। ठीक, अब आपको बोल रहा है कि जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है तब मुझे बता दो कि वेलोसिटी कितनी है, तो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो पुट करनी है, तो टाइम पता चलेगा कि दो सेकंड जो है ना उस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है और उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इसमें पुट कर दो टाइम की वैल्यू, जैसे पुट करोगे तो हो जाएगा थ्री टू का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस थ्री, कितना हो जाएगा टू टू जो फोर थ्री जा टू टू जो फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर प्लस थ्री, कितना हो जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री इक्वल टू माइनस नाइन मीटर पर सेकंड। तो आपके पास आंसर आ गया गया। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल पर बने रहे, मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ, आप देख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। कोई भी दिक्कत आता मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ज़्यादा लंबा मैं इसको करना नहीं है, मुझे ये क्वेश्चंस बताने थे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।